सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आज की डेट में ये बात तो सभी जानते हैं कि अगर हम गलती से व्हाट्सएप पे कोई फोटो वीडियो मैसेज सेंड कर देते हैं तो उसे 7 मिनट के अंदर या 7 मिनट के बाद भी हम उसे डिलीट कर सकते हैं। इस टॉपिक पे मैं वीडियो बना चुका हूँ अपने चैनल पर, 2-3 वीडियो मैंने इस टॉपिक पे अलग अलग तरीके से बनाई है। तो दोस्तों सेम केस अगर आपके साथ ऐसा हो जाए कि आपके पास किसी ने कोई मैसेज सेंड किया और आपने उस मैसेज को पढ़ा था नहीं पढ़ा था इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उस मैसेज को उसने डिलीट कर दिया। हो सकता है ऐसा कोई मैसेज हो कि आपको प्रूफ के लिए किसी को दिखाना पड़ता है या फिर आपको किसी ने कोई ऐसा वर्डिंग बोली हो कि आप उसे वो अपनी बातों से मुकर जाए मैसेज डिलीट करने के बाद में। तो दोस्तों आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि अगर आपके पास कोई मैसेज आता है और उसे वो डिलीट कर भी देता है तो भी आप उस मैसेज को देख सकते हो, दिखा सकते हो, जान सकते हो कि उसने मैसेज क्या किया था और आप एज ए प्रूफ किसी को दिखा सकते हो, मतलब अगर ऐसा कोई मैसेज आता है तो आपके पास। तो दोस्तों इस वीडियो को देखते रहिएगा। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है किशन, टेक्निकल के किसी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे रेड कलर के बटन से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बनी इस बेल आइकन की घंटी को जरूर दबा देना ताकि आपको मेरी आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो देखिए दोस्तों इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा। इस एप्लीकेशन का नाम है सिर्फ टाइमलाइन। टाइमलाइन सर्च करोगे तो आपके सामने एप्लीकेशन आ जाएगी, इसे आप डाउनलोड कर लीजिए। 10,000 से ज़्यादा लोग इसे डाउनलोड कर चुके हैं, 4.3 की इसकी रेटिंग है, काफ़ी अच्छी सी एप्लीकेशन की रिव्यू है, आप पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं कैसी एप्लीकेशन है और काफ़ी कम अभी की एप्लीकेशन है। तो दोस्तों जैसे इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करोगे तो इसमें आपको बहुत सारी सेटिंग मिल जाएगी, आप सेटिंग कर सकते हो, ब्लॉक लिस्ट कर सकते हो, मतलब आप चाहते हो किस एप्लीकेशन की आपके पास नोटिफिकेशन आए या फिर किस एप्लीकेशन की नोटिफिकेशन का आपके पास एक रिकॉर्ड जमा हो जाए। तो दोस्तों एग्जांपल के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि देखिए मेरे पास 2 व्हाट्सएप है, एक मेरा नीचे वाला जो इस पर एक नोटिफिकेशन है वो मेरा GB व्हाट्सएप और मेरा 999 नोटिफिकेशन के साथ में मेरा एक नॉर्मल व्हाट्सएप है। तो मैंने GB व्हाट्सएप को अपने नॉर्मल व्हाट्सएप पे एक कॉन्टैक्ट के जरिए ऐड कर रखा है। तो देखिए दोस्तों मैंने काफ़ी मैसेज पे करके भी देख रखे हैं। तो जैसे एग्जांपल मैंने मैसेज किया, क्या कर रहे हो, आपके पास कोई भी मैसेज हो सकता है, ये तो सिंपल मैसेज है। तो आपके पास कोई भी ऐसा मैसेज, तो जैसे मैंने इस मैसेज को सेंड कर दिया है तो दोस्तों ये मेरे पास नोटिफिकेशन आ गई मेरे GB व्हाट्सएप पे कि मेरे पास कोई मैसेज आया है। अब एग्जांपल मैंने मैसेज तो कर दिया, मैसेज को कर देता हूँ मैं रिकॉल। अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता मैंने पढ़ लिया ना पढ़ लिया, ऊपर वैसे भी पढ़ सकता तो बाद में ही पढ़ सकता हूँ इस मैसेज को। तो मैंने इस मैसेज को कर दिया रिकॉल, तो मेरे पास से भी ये सामने वाले के मोबाइल से भी फोन मैसेज डिलीट हो चुका है। तो जैसे ही मैंने अपने एग्जाम्पल मैंने अपना व्हाट्सअप खोला और मैंने देखा कि मेरा व्हाट्सअप पे कोई मैसेज आया था और वो डिलीट हो चुका है, तो मुझे कैसे पता चलेगा। तो दोस्तों मैंने जो आपको एप्लीकेशन बताई इस एप्लीकेशन को सिंपली आपने ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपके पास मैसेज आया होगा क्या कर रहे हो, अब बाद में इसे डिलीट कर दिया। देखिए दोस्तों 12:25:30 पे ये मैसेज आया था मेरे पास और 12:25:30 पे इसे डिलीट कर दिया गया, ये मैं चेक कर सकता हूँ इसे डिलीट कर दिया गया है। पर अब एज ए प्रूफ आप देख सकते हो कि मेरे पास क्या मैसेज आया था, इसका स्क्रीनशॉट या फिर एज ए कुछ भी आप प्रूफ के लिए कुछ लेना चाहते हो, देखना चाहते हो, तो आप देख सकते हो कि आपके पास मैसेज क्या आया था और क्या इसमें मैसेज में लिखा हुआ था। तो दोस्तों ये है कमाल की ट्रिक, सिर्फ आप एक GB व्हाट्सएप नॉर्मल व्हाट्सएप, मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता नॉर्मल व्हाट्सएप के लिए नहीं, सिर्फ आप यूट्यूब या फिर कोई भी आप जो भी एप्लीकेशन यूज़ करते हो उसकी एप्लीकेशन की नोटिफिकेशन आपके पास आती है वो बाद में डिलीट हो जाती है तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पर नोटिफिकेशन का सभी का रिकॉर्ड बन के आपके सामने जमा हो जाता है। आप पढ़ सकते हो कि क्या नोटिफिकेशन आया था, क्या क्या इसमें नोटिफिकेशन में लिखा हुआ था, बाकायदा आपको बड़े मैसेज में भी आएगा तो भी आप बढ़िया आसानी से देख सकते हो। इस एप्लीकेशन में आपको काफ़ी सारी सेटिंग आपको देखने को मिल जाएंगी, जैसे कि अगर आप ब्लॉक लिस्ट में अगर आप कोई सेटिंग चेंज करना चाहते हो या फिर कुछ नोटिफिकेशन आप बंद करना चाहते हो कि मेरे पास सिर्फ नॉर्मल व्हाट्सअप की नोटिफिकेशन है या फिर GB व्हाट्सअप की है, मतलब जो भी आप सेटिंग यूज़ करना चाहते हो वो यूज़ कर सकते हो, किस किस नोटिफिकेशन का मेरे पास रिकॉर्ड बनना चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस रेड कलर के बटन से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बनी इस बेल आइकन की घंटी को जरूर दबा देना ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय, टेक केयर, जय हिंद।